वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश की चिंता बढ़ाने वाली खबर। महाराष्ट्र में कोरोना के वेरिएंट के कुल 8 मामलों की पुष्टि। नाइजीरिया से पिंपरे चिंचवाड़ लौटे एक ही परिवार के 6 सदस्य ओमिक्रॉन संक्रमित मिले। इनमें से 3 नाइजीरिया से आए थे जबकि बाकी उनके परिवार के ही हैं। वहीं पुणे में एक एक मामले की पुष्टि हुई है। थाने भी इसमें शामिल है। कर्नाटक गुजरात महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मरीज सामने आया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ओमिक्रॉन के पहले मरीज की पुष्टि की। संक्रमित व्यक्ति को LNJP अस्पताल में रखा गया है। उसके संपर्क में आए 4 लोगों का भी टेस्ट किया गया। ओमिक्रॉन संक्रमण के दौरान इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक न लगने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। कहा, रिस्क श्रेणी देशों से आ रहे लोगों पर सख्ती की जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पूरे टेस्ट के बाद ही लोगों को बाहर निकलने दिया जा रहा है। 100% वैक्सीनेशन वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश के सभी वयस्क लोगों को दोनों डोजेज लगाई जा चुकी हैं। बिलासपुर एम्स में COVID-19 कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में JP नड्डा, मनसुख मंडाविया और अनुराग ठाकुर ने हिस्सा लिया। अखिलेश यादव आज लखनऊ में व्यापारी सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा, BJP लोगों में नफरत पैदा करने पर काम कर रही है। वहीं महंगाई पर सरकार को घेरते हुए SP सुप्रीमो ने कहा, आज महंगाई की वजह से हर वर्ग परेशान है। हम लैपटॉप दे रहे थे, ये लाठी दे रहे हैं। UP के चंदौली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान SP कार्यकर्ताओं ने पुलिस के डिप्टी SP के साथ बदसलूकी की। दरअसल CM योगी चंदौली में आए हुए थे। इस दौरान SP कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। जब पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो दोनों ओर से धक्का मुक्की हो गई। UP में शिक्षक भर्ती परीक्षार्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर सियासत गर्म है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। कहा, यूपी के युवा हाथों में मोमबत्तियों का उजाला लेकर आवाज उठा रहे थे लेकिन योगी सरकार ने युवाओं को लाठियां दी। वहीं राहुल गांधी ने कहा, रोजगार मांगने वालों को यूपी सरकार ने लाठियां दी। जब BJP वोट मांगने आए तो याद रखना। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले गोवा पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा, सरकार बनने पर सत्ता में आए तो महिलाओं को आर्थिक मदद देंगे। गृह आधार योजना में 1,500 की जगह 2,500 रुपए भी देंगे। जिन्हें गृह आधार योजना नहीं मिलती उन्हें 1,000 का महीना देंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आज शिक्षकों ने धरना दिया। नवजोत सिंह सिद्धू भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, दिल्ली के गेस्ट टीचर्स से बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाया जा रहा है, ये नहीं चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जयपुर में मेगा रोड शो का आयोजन किया। इसके बाद शाह BJP के जन प्रतिनिधि संकल्प